कांग्रेस नेता विवेक तन्खा जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह के नतीजे इस वक्त आ रहे हैं, 150 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी दिखाई दे रही है, कुछ इस तरह का अनुमान कांग्रेस ने अपने लिए लगाया था, क्या कारण आपको लगता है? नहीं, कारण तो हम अभी नहीं बता सकते, क्योंकि हमने जो सड़क पे देखा वो हमको परिवर्तित होते नहीं दिख रहा है इस वक्त तक। अभी 5-6 राउंड 7 राउंड हुए हैं, 14 राउंड होने हैं, तो जब तक पोल कंप्लीट नहीं होता है तब तक कोई भी कमेंट करना अनुचित होगा। मगर जितना भी हमने देखा है हमको उचित नहीं लगा, हमको हम संतुष्ट नहीं उससे, क्योंकि हमको लगा कि जो हमने सड़क पे देखा था वो हमको यहाँ नहीं दिख रहा है। और हमने नहीं देखा था, आपने भी देखा था, पूरी मीडिया ने भी। और इस और एक और बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान भी सामने आया है। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि राजस्थान की जनता का धन्यवाद, उन्होंने कहा शुक्रिया अदा किया, बीजेपी को जनता का आशीर्वाद मिला है, कहा है अर्जुन राम मेघवाल ने। राजस्थान की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज जो रिजल्ट का ट्रेंड आ रहा है उसमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। इसके लिए जनता ने जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है इन तीनों राज्यों में या देने जा रही है, उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। और उस बीच राजस्थान बीजेपी कार्यकर्ता किस तरीके से जश्न मना रहे हैं, हमारे सहयोगी ध्वजार्या की ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में जो यहाँ रुझान आ रही है, 100 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी की बढ़त है, और आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। क्या कहना है आपको, सरकार लौट कर आ रही है? बीजेपी जिंदाबाद, दिया कुमारी जिंदाबाद, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दिया कुमारी जी से भगवान फहराएंगे। देख सकते हैं जयपुर की राजकुमारी दिया के समर्थक हैं, जीत का दावा, क्योंकि तो अभी रुझान आ रहे हैं, रुझानों में दिया कुमारी बढ़त बनाए हुए हैं। और आप ये देख सकते हैं टीवी स्क्रीन के सामने समर्थक हैं, हाथ में झंडा लिए हुए बीजेपी का, मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं।